नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। विदेश दौरे पर गए कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों में हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अपने ही देश यानी के भारत पर, हिंदुस्तान पर कई सारे सवाल दाग दिए। राहुल गांधी ने भारत की संस्कृति पर सवाल दागे। राहुल गांधी ने भारत के हर एक नागरिक पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने न सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी को विलन बताया, बल्कि भारत के मर्दों को राहुल गांधी ने बलात्कारी और असभ्य माना है। राहुल ने कहा कि भारतीय पुरुष महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़े विपक्षी दल के अध्यक्ष हैं और निसंदेह वो कांग्रेस की ओर से भविष्य के पीएम पद के उम्मीदवार भी हैं। बीजेपी राहुल गांधी पर बार बार नॉन सीरियस होने का आरोप लगाती है और कई बार राहुल गांधी खुद भी ऐसी चीजें कर देते हैं और ऐसे बयान देते हैं जो उनकी संवेदनहीनता को जाहिर करता है। इन दिनों राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं और जर्मनी में बोलते हुए राहुल गांधी ने भारत के मर्द को बलात्कारी और असभ्य कहा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के मर्द महिलाओं का सम्मान नहीं करते, भारत के पुरुष असभ्य होते हैं। तो क्या राहुल गांधी की नजर में सारे भारतीय मर्द बलात्कारी हैं? भारत के सारे मर्द असभ्य हैं? जाहिर है बीजेपी को एक बार फिर मुद्दा मिला और बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला किया और राहुल गांधी पर विदेश में भारत को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने माफी की मांग की है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जब भी भारत से बाहर जाते हैं और जब भी उन्हें विदेश में कहीं बोलने का मौका मिलता है तो वो भारत के लिए अच्छी बातें कम ही करते हैं। राहुल गांधी को कभी भारत अराजक लगता है, कभी भारत के लोगों की सोच सांप्रदायिक लगती है, कभी आतंकवाद के लिए बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं, तो कभी भीड़ की हिंसा के लिए नोटबंदी और जीएसटी को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। इन दिनों राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी को भारत के पुरुषों में खोट नजर आ रहा है। राहुल ने कहा कि भारत के पुरुष महिलाओं को सम्मान के भाव से नहीं देखते। राहुल की नजर में भारत के पुरुष बलात्कारी और असभ्य होते हैं। I would disagree with the idea that India is the most unsafe place for women, but I would agree with the idea that the treatment of women in India leaves a lot to be desired. I think there is a huge amount of violence against women in India. A lot of it is visible, a lot of it is on the street. Huge amount of it is invisible, you never see it. It happens in houses. Women never talk about it. I think it is a cultural issue. It is an issue of how Indian men view Indian women. And I think it requires a huge amount of work to fix that problem. दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा रेप और यौन हिंसा होती है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा जैसे देश रेप और यौन हिंसा के मामलों में दुनिया के टॉप देशों में हैं। सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका जैसे देश तो महिलाओं के लिए नर्क के समान है। ये सच है कि भारत में रेप और यौन शोषण के मामले चिंताजनक हैं। ये भी सच है कि भारत में हर रोज महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती हैं। लेकिन दूसरे देश में जाकर अपने देश की बुराई करना कहां तक सही है? भारत के सारे मर्दों को एक ही तराजू में तोलना कैसे उचित हो सकता है? देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सरकार की आलोचना आपका हक है, लेकिन आलोचनाओं के भंवर में कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है? राहुल जी, आप माइंडसेट की बात कर सकते थे। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के माइंडसेट में गलतियां हैं, फॉल्ट है, मगर यह कहना कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद इंडियन कल्चर, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, ये इंडिया को कम करके आंकने का है, ये इंडिया को नीचा दिखाने का काम आप कर रहे हैं। सच है कि उस देश में चंद लोग होंगे जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते होंगे, और ये भी सच है कि उन चंद लोगों की फेहरिस्त में कांग्रेस के कई नेता हैं जिन पर रेप और यौन शोषण जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। लेकिन राहुल गांधी देश में रहकर यौन शोषण के मामलों पर एक शब्द नहीं बोलते। देश से बाहर जाते ही राहुल गांधी को भारत के सारे पुरुष बलात्कारी, असभ्य और हिंसक नजर आने लगते हैं।
ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत के मर्दों में खोट है? क्या भारतीय पुरुष बलात्कारी और हिंसक है? बार बार भारत को अपमानित क्यों करते हैं राहुल? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। आशीष सूद प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, राधिका खेड़ा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, रविंद्र सचदेव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, माया सिंह है सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हैं हिंदू धर्मगुरु हैं, डॉक्टर वाई एस राखी हैं सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, राजेश राय पूर्व आईजी यूपी पुलिस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले आज के एजेंडा में आज का सवाल जिस पर सभी मेहमानों को अपना पक्ष रखना होगा, तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त का सवाल। हमारा सवाल होगा कि क्या राहुल को भारत में बलात्कार कल्चरल इशू लगता है? क्या राहुल को भारत के सारे मर्द बलात्कारी नजर आते हैं? और सबसे पहले कांग्रेस की मेहमान राधिका खेड़ा जी के पास मैं जाना चाहूंगा। राधिका जी, सबसे पहले मेरा सवाल, क्या बलात्कार कोई कल्चरल इशू होता है? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि दिस इज अ कल्चरल इशू और भारतीय मर्दों का नजरिया कुछ ऐसा है? देखिए, जो राहुल जी ने कहा शायद आपने अच्छे से उसको ढंग से सुना नहीं और समझा नहीं। आपने भी आज वही बात कर दी जो इस देश की सरकार ज्वलंत मामलों पर राजनीति करती है और मिमिक्री के माध्यम से ऑपोजिशन के कांग्रेस पार्टी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर बोलती है। राहुल जी ने जो कहा उसको आपको समझने की ज़रूरत है। आज देश की स्थिति क्या है? हम उस देश में रहते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि महिलाओं को आचार बेचना चाहिए क्योंकि आचार जल्दी से बिकेगा। हम उस देश में रहते हैं जिस देश के प्रधानमंत्री जब उन्हीं के MLA उन्हीं के मंत्री रेप अक्यूज होते हैं तो उसको लेके कोई चर्चा नहीं करते, ना उन पर कोई कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश में वो MLA अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। हम उस देश में रहते हैं जहां पे प्रधानमंत्री जी पहली अपनी कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री को ओथ कराते हैं जो रेप अक्यूज रहता है। तो आपको सोचने की जरूरत है कि सच्चाई क्या है। उम्मीद करती हूं आप डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है देश को सच्चाई बताएंगे, और ये सच्चाई है। हम इससे जूझ रहे हैं, मैं एक महिला होने के नाते ही बता रही हूँ, ये सच्चाई है। और जो राहुल जी ने कहा वो जिस शब्दों से आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं कहा, इस तरीके से उनके बयानों को तोड़ मरोड़। राधिका खेड़ा जी, मेरा दूसरा सवाल, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आपने अपनी पूरी बात रखी, मैंने आपको कहीं नहीं टोका, आपने मुझे भी आईना दिखाया, आपने कहा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, मैंने इस पर भी आपको कुछ नहीं कहा। मेरा फिर से वही सवाल है, आपने दो तीन नामों का जिक्र किया, चंद घटनाओं का जिक्र किया, इससे क्या सारे मर्द बलात्कारी हो सकते हैं और क्या ये कल्चरल इशू है? अगेन देखिए, कल्चरल इशू की बात अब आती है जब सत्ता में जो सरकार है, मैं फिर अपनी बात को कहूंगी, जो सत्ता में जो प्रधानमंत्री है जब रक्षक भक्षक बन रहे हैं, जब उन भक्षकों को आप रक्षा दे रहे हैं, आप उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। बिहार में आए दिन कुछ हो रहा है, जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश है और जहां जहां उनके साथ मिली जुली सरकार है, आप भी ये बात जानते हैं। और सच ये बात यही है कि वहां पर ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है। और मैंने क्यों ये बयान गिनाया, और ये चंद चीजें नहीं है, जब देश की सरकार उन लोगों को शील्ड करेगी, जब देश की सरकार के मंत्री लिंचिंग के अक्यूज लोगों को जाके गले लगाएंगे, तो सवाल राधिका जी, राधिका जी आप ये मानती हैं कि देश में जितने भी कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध यौन शोषण बलात्कार का कोई भी मामला नहीं होगा? आप ये बता दीजिए कि कभी भी कांग्रेस ने सरकार के समय पे किसी को भी प्रचाया हो या अपनी पार्टी से ना निकाला हो। एक ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगा, इस पर भी आऊंगा, बलात्कार का आरोपी हो। आपने आपने जो आपने कांग्रेस सरकार की बात की 2011 में यूपीए की सरकार, राधिका जी शासन और प्रशासन ने कभी बलात्कारियों की प्रोटेक्शन नहीं। ठीक है राधिका जी, 2011 में यूपीए की सरकार थी, NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 24,206 रेप के मामले देश भर में दर्ज हुए। 2012 में पूरे देश में 24,923, सुन लीजिए आप पहली बात, 24,923 मामले दर्ज हुए। 2014 में सबसे ज्यादा 36,000 मामले दर्ज हुए। 2015 में भी दर्ज हुए 34,651। 2016 में भी दर्ज हुए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं एक आईना लेकर बैठा हूं और आप सभी को आज आईना दिखाऊंगा। माया सिंह, मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगा जो राधिका खेड़ा कह रही है। राधिका जी ने कहा वो एक अलग बात है, लेकिन राधिका जी ने अभी तक ये नहीं घुमाया कि हमने पिछले, आप कहती हैं कि हम सरकार में रह के हमने किसको बचाया।
आपको एक महीने पीछे ले जाना चाहूंगी। आज से एक महीने पहले हम लोग एक डिबेट पे बैठे थे जो सोशल मीडिया के आपके यहाँ से उछला था, आज तक उस पर कोई खुलकर कार्रवाई नहीं हुई, आपके यहाँ से वो शायद अभी तक निष्कासित नहीं है, जिस पर एक महिला ने आप ही की कांग्रेस की जो कार्यकर्ता आईटी सेल के सदस्य चिराग पटनायक की आप बात कर रहे हैं, उन सदस्य का नाम लेता हूं जिनके ऊपर नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये हुआ था तब भी मैंने जवाब मांगा था कि आपने आज तक उनको निकाला अपने आईटी सेल से, अगर आप महिलाओं का पक्ष रखती उस समय भी ये पूछा गया था, राहुल जी ने कोई स्टेटमेंट जारी किया, राहुल जी बिल्कुल जिप लगाकर बैठे हुए थे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करा अपनी महिला कर्मी के प्रति, वो बहुत परेशान रही, आज तक भी उस पर कोई खुलकर बयानबाजी नहीं हुई, वो एक मुद्दा बनकर रह गया कि आपने क्या करा महिलाओं के लिए, हो गया। दूसरी बात ये करूंगी कि हमारा देश पूरे विश्व भर में अपनी कल्चरल पूरा विश्व हमारे देश के संस्कृति की दुहाई देता है, पूरा देश हमारा संस्कृति के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व पे हमारा देश का पटल, विश्व पटल पे जो हमारा भारत समाज जाना जाता है, अगर आप जाएं तो जो गोरी संस्कृति है वो यहां भाग कर आती है, और आप जाके गोरों की संस्कृति में हमारे देश को अगर इस तरह से उछालेंगे तो ये बहुत शर्मनाक बयान है, क्योंकि आप एक बहुत पार्टी प्रमुख है, एक बहुत अच्छे चेहरा हम आपको मानते थे संस्कृति का, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना कि पूरे सभी देश की संस्कृति खराब है, ठीक है, सबसे एक रिएक्शन में ले लूं, निंदनीय। यही सवाल मैं विक्रमादित्य आपसे लेना चाहता हूं, क्या ये कल्चरल इशू है? मैं इसी सवाल पे रहूंगा आज, ये कल्चरल इशू इसे बताना कि भारत में अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध और यौन शोषण है तो वो कल्चरल इशू नहीं हो सकता, दुनिया में रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में अमेरिका टॉप नंबर पर है, तो कल्चरल इशू किसका, ये सभी जानता है और ये आंकड़े बताते हैं। विक्रमादित्य आपका जवाब, क्या ये कल्चरल इशू है? जैसे तथ्य आपने रखे हैं, ये एक आईना है पूरे विश्व के समक्ष कि कौन कितना कल्चर्ड है, जो भारतीय संस्कृति कल्चर को समझते ही नहीं है उनको वो भारतीय संस्कृति कल्चर पे आक्षेप करे तो मुझे बड़ा विचित्र लगता है। जिनके नाना जी ने ये कहा कि आई एम इंडियन बाय एक्सीडेंट, ये वर्ड उनके नाना जी के द्वारा यूज किया गया था, और वो आज भारतीय संस्कृति के ऊपर आक्षेप करने का प्रयास करें, भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति तो वो संस्कृति यत्र नारेस्तु पूजन्ते रवन्ते तत्र देवता की बात करने वाली संस्कृति है, यहां नारी को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। जहां तक आज की तथाकथित तौर पर इतनी जो गलत बातें हो रही हैं इस देश के अंदर, जितने भी आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, वो मुख्य कारण है कि यहां की न्यायिक व्यवस्था में इतनी लचर व्यवस्था, 70 सालों में आप लोग इतनी मतलब आप ताकत में रहे, आप लोगों ने इस देश के अंदर न्यायिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं बनाई कि एक व्यक्ति को 15-15 साल 20-20 साल लग जाते हैं आपको न्यायिक सारे तथ्य आपके समक्ष होते हुए भी। और मुझे बताइए कि आपकी संस्कृति के आपके मंत्री कि आपको वर्ड याद नहीं है जिसके अंदर कहा था कि माल वर्ड यूज किया था आप लोगों ने, बीवी पुरानी हो जाती है, वो तक आपके मंत्रियों ने यूज किया था कि वो आप भूल जाते हैं कि आप लोगों की मेंटेलिटी कहां जाती है किस प्रकार से। तो आप भारतीय संस्कृति पे आक्षेप लगाएं तथाकथित, और मुझे समझ में नहीं आती कि आज भारतीय संस्कृति लोग अगर इस मामले में संलिप्त होते हैं या अगर वो दोषी पाए जाते हैं, पूरे पुरुषों के ऊपर नाम लगाते हैं कि राहुल गांधी खुद पुरुष नहीं है क्या, या अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं, हिंदुस्तानी मर्दों को एक कैटेगरी में क्यों खड़ा किया गया, सवाल ये है। ठीक है, भारतीय संस्कृति एक पुरानी कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत ताको देखे तैसी, तो अपनी भावनाओं को बदलने का प्रयास करें, अपनी नजरियों को बदलने का प्रयास करेंगे तो बहुत जरूरी है। ठीक है, देश के राखी जी, आपके साथ पास भी वही सवाल है, ये इंडियन कल्चर से जोड़ने वाली क्या बात थी इसमें, मुझे यही समझ नहीं आ रहा अभी तक। मैं बहुत सारे मेहमानों के पास जा चुका, सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे भारत देश के अंदर अच्छे पुरुष भी हैं, बुरे पुरुष भी हैं, सभी पुरुषों के ऊपर ये बात और लांछन लगाना इसका मैं विरोध करती हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही जो एक्चुअली पूरी तरह से गलत हो, बल्कि मैं तो उन्हें बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि एटलीस्ट हिंदुस्तान के किसी पुरुष ने तो आवाज उठाई महिलाओं के लिए। आप पूरा बयान को दोबारा सुनिए, उनका कहना सिर्फ इतना है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर भी उनके साथ क्राइम हो रहा है, घर के बाहर भी क्राइम हो रहा है, और इस विषय पर उन्हें दुख है, इस बारे में सोचना चाहिए। कल्चरल इशू है? नहीं, कल्चरल इशू की बात नहीं है, कल्चरल इशू बिल्कुल भी नहीं। तो आप राहुल गांधी की बात का खंडन करते हैं? मैं राहुल गांधी की उनकी बात का खंडन बिल्कुल भी नहीं करती, उन्होंने जो बयान दिया मैं उनके साथ समर्थन में खड़ी हूं। आप बयान को सही तरीके से समझिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं राहुल गांधी का वो बयान फिर से आपको सुना सकता हूं, मैं ही पूछ रहा हूं, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा दिस इज अ कल्चरल इशू, हमारे कल्चर में ऐसा होता है तो आप इस बात को बदल नहीं सकते कि आज बाहर नारी पढ़ाओ देते हैं महिलाओं के साथ, इसको कहां आप झुठला सकते हैं, होता है इस प्रकार से, एक ह्यूमन फितरत है। मैं अग्री भी करूं तो ये मसले घर के अंदर निपटाए जा सकते हैं। रविंद्र जी, इन चर्च इन इन विषयों को घर के अंदर डिस्कस किया जा सकता है, ना कि आप भारत में, एक तरफ भारत में, भारत की पूरी जो
आबादी है, भारत की जो पूरी जनसंख्या है वो विश्व भर में ये कोशिश में लगी, हमारा ब्रेन ड्रेन होता है, हमारे युवा बाहर जाकर आईटी में नौकरी करते हैं और अपने देश का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ ये जाकर बोलना कि ये कल्चरल इशू है, भारत के कल्चर को कटघरे में खड़ा करना। आई थिंक दो चीजें इसमें कहूंगा, कल्चर जो आप वर्ड जिसमें फोकस कर रहे हैं उसके अलग अलग मायने भी हो सकते हैं। पहली बात, इंडियन कल्चर इज समथिंग डिफरेंट आई थिंक, पर कई बार कल्चर को आप शब्द यूज करते हैं जैसे आजकल ये कल्चर है, आजकल ये फैशन में, आजकल ये चीज स्टाइल में कहते हैं, राइट, तो ये अलग कॉन्टेक्स्ट है कल्चर का, बट इंडियन कल्चर में तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम यस, हमारे भारत की जो इमेज है विदेशी देशों में काफी समय से ये बनती जा रही है कि विमेन के लिए सिक्योरिटी और सिक्योर नहीं है हमारा देश। टूरिस्ट न्यूज एजेंसी ने 500 लोगों के बीच सर्वे करके यही काम किया, सीरिया और आपके इराक से ज्यादा खतरनाक इंडिया को बताया। तो ये ऐसे बहुत सारे मेरा सवाल ये कि ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी इमेज बाहर कम से कम ठीक रखें। बाहर की एजेंसीज तो है हमारी इमेज को धोने के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जैक्टली, तभी मैं कह रहा हूं जो इन्होंने कहा, इसके चलते भारत की वो इमेज और ज्यादा बल्कि बढ़ गई है, इनफैक्ट हमारी इमेज को नुकसान हुआ है। ये चीजें भारत के अंदर कहीं या जो भी डिस्कशन हो, जो भी डिबेट हो, वो हमें अपनी हेल्दी डेमोक्रेसी, अपने यू नो हमें अपना रिफॉर्म करना है, नो डाउट, राइट। भारत के अंदर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर है, चूंकि वो सबसे बड़े विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता है। तो उन्होंने बाहर जो कहा है, मैं वो कल्चर को लेकर के नहीं, क्योंकि कल्चर मैं खुद पढ़ाता हूं ये सब्जेक्ट, तो मैं उसको दूसरे एंगल से देखता हूं, तो इंडियन कल्चर कोई रेफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से, पर ये इन्हें बात कहनी नहीं चाहिए थी, इससे काफी हमारी इमेज को जेन्युइनली भारत की धक्का लगेगा हमारा। गोपाल राय जी से समझ लेते हैं, ये जो लॉस जी, ये जो जनरलाइज किया गया है गोपाल राय जी, ये कहा गया है कि जो दिक्कत है वो सारे मर्दों की तरफ से है और ये जो इशू है वो कल्चरल इशू है, तो इसमें राजेश राय जी इशू क्या इस किसी भी क्राइम को एक जनरल कैटेगरी में डाल के देख सकते हैं जो राहुल गांधी ने किया? चलिए ठीक है, मुझे लगता है जो उनके पास आवाज नहीं जा रही। विक्रमादित्य, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मेरा कहने का यह मतलब है कि भारतीय संस्कृति को आप किसी प्रकार भी आक्षेपित करने से पहले आप ये खुद सोच लें कि हम पूरे विश्व के पटल पर आज अपनी संस्कृति को किस प्रकार से हम देश को उत्थान करने की तरफ लेना चाहते हैं। गलतियां कहां नहीं होती हैं, कुछ खराबियां, कुछ दिक्कतें, एक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, कुछ गलतियां हर जगह आती हैं। तो हम कोशिश ये करें आज केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, केवल सरकारी तंत्र को आक्षेपित करने के लिए, आज सरकार प्रधानमंत्री को आक्षेपित करने के लिए, जिस प्रकार की व्यवस्था पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि जब भी बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ इस प्रकार के कमेंट दिए जाते हैं, तो बहुत सोच समझ के आप आने वाले देश में आप एक प्रमुख राजनीतिक दल के सबसे मुख्य अध्यक्ष बन गए हैं, उसके बाद भी अगर आप इस प्रकार के लांछन लगाने की देश की संस्कृति को गिराने का प्रयास करेंगे, देश के नाम को गिराने का प्रयास करेंगे, तो उससे बड़ा आक्षेप देश में नहीं हो सकता। इस देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करने वाली है। ठीक है, राधिका खेड़ा जी, अब इमेज पर बात आ गई है कि भारत की इमेज बाहर जाकर खराब करने की क्या जरूरत है? ग्रीवांसेस हैं, अगर इश्यूज हैं तो यहाँ की पब्लिक है, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप अपनी बात रखें, अगर आप अपनी बात सही तरीके से रख पाते हैं तो जनता आपको सिर माथे पर बिठाएगी और आपको प्रधानमंत्री भी बना देगी। तो फिर जाकर आप जब अमेरिका में जाकर देश के बारे में बोलते हैं, सिंगापुर में जाकर बोलते हैं, जर्मनी में बोलते हैं, बहरीन में बोलते हैं, फिर इसके मायने नहीं रह जाते। देखिए, लोकतंत्र के किस तरीके से ये सरकार धज्जियां उड़ा रही है ये मैं नहीं कहती, पूरे देश के पास सामने देखने को है। और मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ बैठे मेरे को टीवी यहाँ पे सामने नहीं है तो मुझे ये नहीं पता ये किस पैनलिस्ट ने कही, जिन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी जेल में बिताई इस देश की स्वतंत्रता के लिए, उनके ऊपर आप ये बोल रहे हैं कि आई एम एक्सीडेंटली इंडियन। एक तो आप नेशनल टेलीविजन पे जब भी जाते हैं बाहर भारतीय संस्कृति को तोहिन करने का प्रयास करते हैं, शर्म आनी चाहिए। आप स्त्री होकर इस देश के नागरिक होकर आप इस देश डोंट गो देयर प्लीज। मैं नहीं बोलती,
अगर बोलिए मत बोलिए, नहीं बोलना भी नहीं चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। अपने नेता का कोई गलत काम करे, आपके देश की तोहिन करने का प्रयास करे, तो भारतीय होने के पहले कांग्रेस बोले थे विक्रमादित्य प्लीज, देश की नागरिक है विक्रमादित्य, इस बात की विक्रमादित्य प्लीज, विक्रमादित्य प्लीज, विक्रमादित्य मेरी बात सुनिए प्लीज, पहले आपका सम्मान देश को करने का, डोंट डू दिस प्लीज। राधिका खेड़ा प्लीज कंप्लीट योर वर्ड्स, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मैं बोलूंगी कि वो बोलेंगे, जब वो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, मेरे पास राजेश राय फिर से जुड़ गए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। आधा अधूरा ज्ञान इस देश को पहले ही बहुत पीछे ले जा रहा है, ये झूठ बोलना बंद कर दिए और कैटेगोरी नहीं आप क्वेश्चन नहीं प्लीज नहीं प्लीज झूठ मत, बैक टू द टॉपिक राधिका प्लीज, देश के ऊपर आप लोग झूठ बोल रहे हैं, विक्रमादित्य प्लीज, विक्रमादित्य प्लीज, विक्रमादित्य प्लीज, बाहर जाके पूरे देश की ओर लांछन करने का प्रयास करें, झूठ बोल रहे हैं, झूठ आप पार्टी के साथ डिबेट गो ऑन प्लीज, डोंट डू दिस, मत कीजिए ऐसा प्लीज। राधिका जी प्लीज कंप्लीट योर वर्ड्स, डिबेट को आगे बढ़ाइए प्लीज, प्लीज डोंट डू दिस विक्रमादित्य प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मेरे सवाल का जवाब राधिका, मेरा एक ही सवाल है, राहुल गांधी जी ने नहीं, देश के अंदर लोकतंत्र है, जनता के बीच जाकर आप सारी समस्याओं को रख सकते हैं, फिर बाहर जाकर देश की इज्जत की धज्जियां उड़ाने की क्या जरूरत है? हमने रखी, हमने इस देश के अंदर समस्याएं रखी प्रधानमंत्री जी को, हमने संसद में भी बोला और बाहर भी बोला, हाथ जोड़ के बोला यहाँ की देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्योंकि उनको बहुत शौक है, वो देश में 400 करोड़ अपनी पाकिस्तान में जाके बोलते हैं पाकिस्तान के, आप लोगों की आदत है जब भी जाएंगे इस देश के बाहर इस देश को बदलने का प्रयास करेंगे। प्लीज विक्रमादित्य प्लीज 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 प्लीज, नहीं आज मणिशंकर अय्यर नहीं है ना, आज आज कांग्रेस प्रेसिडेंट है, प्लीज आज मणिशंकर नहीं है ना, मणिशंकर अय्यर पे किसी बात की बात करेंगे प्लीज, नहीं नहीं डोंट डू दिस प्लीज, नहीं नहीं प्लीज डोंट डू दिस प्लीज डोंट डू दिस। राजेश राय मैं आपके पास आना चाहूंगा, सॉरी राधिका मैं आपके पास फिर से आऊंगा प्लीज, ठीक है मैं आपके पास फिर से आऊंगा, मैं एक राजेश जी से एक सवाल ले लूं क्योंकि मुझे फिर से ब्रेक पे जाना होगा। राजेश जी क्राइम को किसी पर्टिकुलर समाज के किसी खास वर्ग से जोड़ देना क्या ये समझदारी है, और विदेश में जाकर ऐसा कहना क्या ये समझदारी, और क्या भारत के सारे मर्द और ये इस तरह की हरकतों में रहते हैं, या फिर ये कल्चरल इशू आपको नजर आता है? आप आईजी रह चुके हैं, आपने क्राइम और क्रिमिनल दोनों को बहुत करीब से देखा है। देखिए इस मामले में मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जो जाकर के बाहर इस तरह की बात कही है, और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति, अगर कोई हल्का फुल्का व्यक्ति होता तो शायद उनकी बात को कोई मानता नहीं, लेकिन एक पार्टी जो इतने दिनों तक सत्ता में रही है और उसके जो पार्टी प्रमुख है वो जाकर के बाहर इस तरह की बात करते हैं, और मजेदार बात यह है कि जहां पर वो बैठे हैं वहां पर भी तमाम भारतीय बैठे हुए थे, तमाम भारतीय पुरुष बैठे हुए थे, उसमें एक पुरुष ने उनसे ये भी कहा कि आप जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से गले क्यों लगे, और उसने उनसे परमिशन लिया और परमिशन ले जाके जाके उनसे गले लगे। अगर आपने एक बात कही, हिंदुस्तान का जो मर्द है आज सारी दुनिया में जगह जगह पर, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे क्या कहते हैं नासा हो, जगह जगह लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनके मन में ये क्या भाव आएगा, एक भी शिकायत भारतीय पुरुषों की जहाँ भी वो गए हुए वहाँ पर नहीं आती है। ऐसे में ये कहना कि जो भारत का पुरुष है वो कल्चरली असभ्य है या वो बलात्कार या यौन शोषण में लिप्त होता है उसकी वजह से महिला, देखिए क्राइम की जहाँ तक बात है, क्राइम होता है और क्राइम जो आदमी करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है और कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राजेश जी, राजेश जी कि जब हम सभी तो इसी देश के हैं, राहुल गांधी भी तो इसी देश के मर्द हैं, सवाल तो अगर एक एक बिल्कुल हम सभी इसी देश से हैं, अगर सवाल उन्होंने पूरे देश के मर्दों पर उठाया तो हम सभी उसी उसी कैटेगरी में आते हैं।